आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। अब यहां रुक करेंगे विहाड़ी का, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ अल जजीरा न्यूज मलक ताहिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के खिलाफ एपका सरापा एहतजाज, एहतजाजी मुजाहरा और दफातर में हड़ताल की गई। बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी इस्तेहसाल के खिलाफ एपका विहाड़ी ने एहतजाजी मुजाहरा किया और दफातर में हड़ताल की। एहतजाजी मुजाहरा की क्यादत जिली सरपरस्ते आला एपका मुनव्वर हुसैन भट्टी ने की। एहतजाजी मुजाहरा CEO एजुकेशन ऑफिस से शुरू होकर DC कम्प्लेक्स में इख्तिताम पजीर हुआ। एहतजाज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब करते हुए मुनव्वर हुसैन भट्टी ने कहा कि जालिम हुक्मरान हमें हकूक छीनने पर मजबूर न करें। हुक्म के मुताबिक आपका आज पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की है। जिला विहारी में भी हमने अपने मर्कजी सूबाई कायदीन के मुताबिक हड़ताल की है। हम जनाब डिप्टी कमिश्नर विहारी से पुरजोश अपील करते हैं कि हमारी आवाज इन अवानों तक पहुंचाई जाए। ऐसा वक्त न आ जाए कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान में मुलाजमीन आप ताकत का मुजाहरा करते हुए इन बदमाशों गुंड हुक्मरानों से आप अपना हक छीनने के लिए मुल्क में खाना चंगी लग जाए। महंगाई की वजह से छोटे सरकारी मुलाजमीन फाका कशी पर मजबूर है। इस वक्त इक्तदार पर बदमाश और गुंडागर्द अनासर काबिज हैं। उनका कहना था कि महंगाई और मुआशी इस्तेहसाल का खात्मा न हुआ तो एहतजाज पूरे पंजाब तक फैला दिया जाएगा। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी इस्तेहसाल की वजह से मुलाजमीन के चूल्हे बुझ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर और खुफिया इदारे हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv। वाहिद फ्रीजर जो दे 3 शेल्फ के साथ जंबो स्टोरेज और 100 वोल्ट पर भी दे जंबो कूलिंग। बेल जंबो फ्रीजर, पाकिस्तान लार्जेस्ट फ्रीजर इन रेफ्रिजरेटर।